नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं चंदन शेष आपके साथ। आज 22 अगस्त है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं आज की पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले के मेडिकल लाइन में लाइसेंस दूसरे व्यक्ति के नाम का, तो चलाने वाला दूसरा ही कोई और व्यक्ति निकलने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मेडिकल में फार्मासिस्ट उपस्थित ना होने पर भी दवाइयों की बिक्री की जा रही है। ऐसे मेडिकल पर औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत मेडिकल का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा रहा है। जिले में अब तक 3 मेडिकल के लाइसेंस कैंसिल किए जाने की खबर है। गोंदिया में विवेक मंदिर सीबीएसई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जा रही प्राइवेट वैन अनियंत्रित होकर पलटने की खबर है। इस हादसे के दौरान वैन में 11 विद्यार्थी, चालक तथा कंडक्टर मौजूद थे। कुछ विद्यार्थियों को मामूली चोटें आई तो वही सौभाग्य से जीवित हानि टली। उड़ान पुल के पास रिंग रोड पर यह वाहन तेज रफ्तार से जा रहा था, जहां अनियंत्रित होकर रास्ते के किनारे खेत में जा फंसने पर राहगीरों द्वारा इस वैन में फंसे जख्मियों को बाहर निकाला गया। बरोड़ा के शेगांव में 5 लोगों को चीतल के सिंगों की तस्करी करने के मामले में किया गया गिरफ्तार। चिमूर में वन अधिकारियों द्वारा नकली ग्राहक बनकर बार में आरोपियों से मिलकर डील की गई, जिसके बाद चीतल के अंग बरोड़ा के शेगांव में होने की जानकारी मिली। वन विभाग ने शेगांव पुलिस को इसकी खबर की, जिसके बाद आरोपियों को भनक लगते ही आरोपियों में हड़कंप मच गया। भागने की फिराक में 2 चौपहिया वाहन में से 1 वाहन को जब्त करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो वही 1 वाहन फरार होने की जानकारी है। बीते दिनों 20 वर्षीय काजल प्रजापति का मृतदेह नागपुर के कोराडी में सुरादेवी परिसर में मिला था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल कर इस हत्या का पर्दाफाश किया। चरित्र पर संदेह करते हुए युवती से हुए विवाद में बॉयफ्रेंड द्वारा ही प्रेमिका की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बॉयफ्रेंड अंकित यशवंत रंधये उम्र 25 को हिरासत में लिया गया। चिमूर से वरोरा आ रही दुपहिया वाहन को अज्ञात वाहन ने पीछे से दी जोरदार टक्कर। वरोरा तहसील के बामनडोह नाले के पास यह दुर्घटना घटी, जिसमें दुपहिया पर सवार युवती मयूरी नागतुड़े उम्र 20 की मृत्यु हुई, तो युवक प्रशांत जांबुले उम्र 24 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वरोरा तहसील में एक युवक ने खेत के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। तहसील के शेगांव की यह घटना होकर मनोज रमेश निमजे उम्र 32 ऐसा मृत युवक का नाम है, आत्महत्या की वजह अस्पष्ट होकर पुलिस द्वारा जांच जारी है। नांदेड़ से एक दुखद समाचार है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जिले के कंधार गांव के नवरंगपुरा इलाके की यह घटना है, जहां दरगाह पर नमाज अदा करने पहुंचे परिवार में से एक सदस्य खाना खाने के बाद तालाब में टिफिन धोने उतरा, किंतु पैर फिसलकर पानी में डूबने से 2 लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और वह भी डूबने लगे। तीनों को डूबता देख अन्य 2 लोगों ने भी पानी में छलांग लगाई और वह भी डूबने लगे। इस तरह दुर्भाग्य से 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वनी के डोरली में एक युवक ने की जहर घटक कर आत्महत्या। योगेश्वर विट्ठल थेरे उम्र 32 ऐसा मृतक का नाम है, जो अविवाहित था। आत्महत्या की वजह स्पष्ट होकर खेत में जहर घटक कर आत्महत्या करने से इस युवक के मृत्यु पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। नागपुर से अमरावती की ओर जा रही दुपहिया वाहन को तेज रफ्तार वाहन ने दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में दुपहिया पर सवार विजय पेटे के परिवार के सभी लोग हुए घायल। जख्मियों में पत्नी तथा 3 बच्चों का समावेश है, जिनमें से 2 मासूम बच्चियों की मृत्यु होने की खबर है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।